इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दे रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने अब फैसला कर लिया है कि वो अब जेडीयू में नहीं रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा उन तमाम नेताओं को एकजुट करने में जुटे हुए हैं जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा आप अपना नया रास्ता चुन सकते हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा जब भी इस तरीके का फैसला लेते हैं तो पहले अपने लोगों के साथ विचार विमर्श करते हैं। एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा ने एक पत्र जारी करते हुए जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के साथ साथ रालोसपा, जो उपेंद्र कुशवाहा की पुरानी पार्टी थी, महात्मा फूले समता परिषद के सदस्यों से आग्रह किया है कि वे 19 और 20 फरवरी को पटना में एक बैठक करने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा उस बैठक में शामिल हो। तो सीधे तौर पे आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा अब अपने जो सियासी रास्ते हैं वो नीतीश कुमार से ही तय करने वाले हैं। दरअसल इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा जब जनता दल यूनाइटेड में अपनी पार्टी का विलय कर रहे थे तब भी इसी तरीके से वो बैठक कर रहे थे और उसके बाद अब उपेंद्र कुशवाहा ने एक पत्र लिखा है। इस पत्र में सीधे तौर पे उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो स्थिति बनी हुई है उसकी चर्चा करते हुए कहा है कि जनता गुमराह हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच जो डील हुई है इस पर अब तक जेडीयू की तरफ से कोई बातें साफ नहीं की गई है और ऐसे में पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता हैं जेडीयू के वो और उनकी स्थिति काफ़ी वाहपोह की बनी हुई है कि वो करें तो क्या करें। और इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा ने पत्र जारी करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। ललन सिंह का बयान जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सामने आया उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने पत्र लिखा है। पत्र उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जारी किया है, ट्विटर पर उन्होंने पत्र को डाला है और साफ लिख दिया है। एक एक अंश हम आपको बता देते हैं कि पत्र में क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है। उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तौर पर लिखा है, जनता दल यूनाइटेड के कर्मठ समर्पित एवं महत्वपूर्ण साथियों के नाम पत्र, जेडीयू को बचाना है। और ये पत्र है, प्रिय साथी, हमारी पार्टी अपने आंतरिक कारणों से रोज रोज कमजोर होती जा रही है। महागठबंधन बनने के बाद हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के समय से ही मैं पार्टी के स्थितियों से माननीय मुख्यमंत्री को लगातार अवगत कराते आ रहा हूं। समय समय पर पार्टी की बैठक में भी मैंने अपनी बातें रखी। विगत 1-1.5 महीने से मैंने हर संभव तरीके से कोशिश की है दिन पर दिन अपना अस्तित्व खोती जा रही पार्टी को कैसे बचाया जा सके, मेरी कोशिश आज भी जारी है। परंतु तमाम प्रयासों के बावजूद मुख्यमंत्री जी की ओर से मेरी बातों की न सिर्फ अनदेखी की जा रही है बल्कि उसकी व्याख्या भी गलत तरीके से की जा रही है। मेरी चिंता है और जहां तक मैं समझता हूं आप सभी की चिंता भी इस बात को लेकर है कि अगर जेडीयू बिखर गया तो उन करोड़ों लोगों का क्या होगा जिनके अरमान इस दल के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े कष्ट सहकर अपनी कुर्बानी देकर इसके निर्माण में अपना योगदान दिया है। साथ ही साथ राजद की ओर से एक खास डील और जेडीयू का राजद के साथ विलय की चर्चा ने न सिर्फ पार्टी के निष्ठावान नेता कार्यकर्ताओं वरना आम जनमानस को भी झकझोर के रख दिया है। ऐसी परिस्थितियों में हम सबके समक्ष राजनीतिक शून्यता की स्थिति बनी हुई दिख रही है। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब मिलकर वक्त विषय पर विमर्श करें। इसके लिए आप सभी से आग्रह है अपने साथियों के साथ निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित होकर चर्चा में भाग लेने का कष्ट करें। कार्यक्रम की तैयारी भी कर ली गई है। 19 और 20 फरवरी 2023 को समय 11 बजे, स्थान सिन्हा लाइब्रेरी पटना में रखा गया है। उपेंद्र कुशवाहा, साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा ने आगे लिखा है, सेवा में जनता दल यू के प्रमुख साथी, पूर्व में रालोसपा के साथ काम कर चुके प्रमुख साथी और महात्मा फूले समता परिषद के प्रमुख साथी। तो उपेंद्र कुशवाहा सीधे तौर पर नीतीश कुमार के खिलाफ अब जेडीयू में जिस हिस्सेदारी की बात कर रहे थे उसके लिए अब गोलबंदी शुरू कर दिए हैं। और जेडीयू के जो नाराज लोग हैं, जो समता परिषद, जो उपेंद्र कुशवाहा के संगठन है जिसके लिए वो काम करते हैं, उन तमाम लोगों को एक बैनर एक साथ वो मंथन करने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपने लोगों को टटोलना चाहते हैं कि वो आगे जो फैसला लेंगे उसका फायदा
उनके सियासी करियर पर कैसा पड़ेगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा 19 और 20 फरवरी को बैठक करने वाले हैं नीतीश कुमार और ललन सिंह के सामने राजधानी पटना में सिन्हा लाइब्रेरी में। वक्त भी तय है 11 बजे का। तो बड़ी खबर, उपेंद्र कुशवाहा अब जेडीयू में दो दो हाथ करने का मूड बना चुके हैं और नीतीश कुमार और ललन सिंह से जेडीयू में हिस्सेदारी के लिए अब मोर्चा खोलने जा रहे हैं।